वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डे है 2 जनवरी और डे है संडे, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मटर पराठा, वही आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरे में कुछ गलती लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधार करूँगी। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और स्टफिंग बनाने के लिए तेल लेंगे, तेल गर्म होने के बाद थोड़ा जीरा डालेंगे, उसके बाद ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद लहसुन डालेंगे, उसके बाद एक मीडियम साइज के प्याज डालेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद मटर डालेंगे, मटर डालने के बाद थोड़ा भूनेंगे उसको, उसके बाद थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद थोड़ा हल्दी डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं लगता है, बस थोड़ा ही लगता है, थोड़ा हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला, और थोड़ा आमचूर भी डाल सकते हैं। थोड़ा मसाला पकने के बाद फिर इसको कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मसाला और मटर अच्छे से भून चुके हैं, उसके बाद में हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। आटा में थोड़ा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, और आटा को बिल्कुल सॉफ्ट गूंथना है जिससे पराठा ये सॉफ्ट बनेगा। सेम स्टफिंग से आप मटर की कचौड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मटर की कचौड़ी बनाने के लिए आटा को थोड़ा टाइट रखें, मतलब थोड़ा हार्ड गूंथें जिससे आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी। मैं अभी पराठा बना रही हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सॉफ्ट आटा लगा रही हूँ। आज का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी आटा लग के रेडी है, तो अभी मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। वो स्टफिंग ठंडा हो चुका है, इसको थोड़ा आटा को थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ मैं। और स्टफिंग को हम ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे। स्टफिंग को ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। स्टफिंग को ऐसा रखना है, इसको बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। देखिए ऐसा रहेगा स्टफिंग,
आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।